You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है, या नॉर्मली क्या आप समझ लीजिए 80% लोग ये गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो गलती करते हैं लोग, नॉट फोकसिंग ऑन CGPA और परसेंटेज। नॉर्मली कुछ लोग इसमें, ये वाला पॉइंट जो है उसमें कुछ लोग आते हैं, इस कैटेगरी में बहुत कम लोग आते हैं जो CGPA या परसेंटेज पे फोकस नहीं करते हैं। उनको आगे जाके प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, अगर आपकी 65% यानी कि फर्स्ट डिवीजन जो इंजीनियरिंग में माना जाता है, या 6.5 CGPA, उससे अगर कम है तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से आप बाहर हो जाओगे, बहुत सारे PSU से आप बाहर हो जाओगे, तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि CGPA या परसेंटेज पे फोकस करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा PSU भी है जो कि ISRO, अगर आपने नाम सुना हो, और ISRO में शॉर्टलिस्ट होता है, लिखा तो रहता है उसमें कि मिनिमम 65% वाले ही फॉर्म डालें, और फॉर्म डालने के बाद अगेन फिर शॉर्टलिस्ट होती है। तो मैंने ऐसा देखा है कि उसमें लगभग 72-75% के बीच में कट ऑफ जाता है। ये केवल किसके लिए, ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि ये लोग ही एग्जाम दे पाएंगे ISRO का। मतलब अगर आपका परसेंट अच्छा नहीं है तो आप ISRO के तो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाओगे। तो कुछ ऐसे PSUs हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है, हायर परसेंट लानी पड़ेगी आपकी, बाकी मैक्सिमम में 65% में आपका काम चल जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप अगर 75% और हम बोले कि 7.5 CGPA, इससे ग्रेटर आप लाने की कोशिश करें, तो आपको आगे चल के फ्यूचर में CGPA या परसेंटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मुझे पता है ये वाली जो मिस्टेक है वो कम लोग ही करते हैं, मैक्सिमम लोग इस पे फोकस करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी से सचेत हो जाएं कि आगे चल के फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो आपके जो इंटरव्यू, जो कैंपस आते हैं प्लेसमेंट के लिए, उनमें भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि इतना CGPA अगर नहीं है तो आप कैंपस में ही नहीं बैठ सकते, यानी कि आपका करियर लगभग खत्म सा हो जाता है। अब मान लीजिए कुछ लोगों की इंजीनियरिंग हो ही चुकी है, उनकी परसेंट बहुत कम है, तो कहीं कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जहां वो जा सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट तरीका होता है कि वो मास्टर्स कर लें, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 डिग्री मांगी हुई हैं, तो उसमें ऑप्शन रहता है कि या तो आपकी ग्रेजुएशन में या PG में, दोनों में से एक किसी में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। तो अगर किसी की इंजीनियरिंग हो चुकी है और वो ये गलती कर चुका है, तो वो सुधार सकता है कैसे, PG में जाके, और PG की परसेंट सुधार लेगा तो उसे चांसेस बन जाएगी कि वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वाली गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी गलती इसी की रिवर्स है, और वो क्या है, वो है मोर फोकस ऑन CGPA और परसेंटेज। अब ये तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, और वो क्या करते हैं कि केवल CGPA और परसेंट अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अगर 5 यूनिट हैं आपके सब्जेक्ट में, और आपने प्रीवियस ईयर का के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे, क्वेश्चन बैंक उठाई, और देखा कि उनमें से जो 3 यूनिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इन पे फोकस किया। उनमें भी कुछ विशेष क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपने उनमें फोकस किया, यानी कि आपकी परसेंट तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन आपने नॉलेज बिल्कुल भी गेन नहीं किया, क्योंकि आपने वो केवल क्वेश्चन को रट लिया, याद कर लिया, केवल किस लिए, परसेंट लाने के लिए। तो आपको ऐसी परसेंट भी कुछ काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि ये क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनकी
को छोड़ के अच्छा होगा अगर आप बुक्स का सहारा लें, और डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे, कुछ तो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी से ही आपको मिल जाएंगी और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आपको परचेज करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक्स परचेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ग्रुप स्टडी आप लोगों ने सुना होगा, दो चार अपने ग्रुप स्टडी का ये मतलब नहीं है कि आप साथ में ही बैठ के पढ़ो, मैं दूसरी ग्रुप स्टडी की बात कर रहा हूँ कि भाई परचेजिंग में, बुक परचेजिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक एक राइटर की बुक आपके पास है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लीजिए आप कंट्रोल की बुक खरीदना चाहते हैं और आपके तीन चार दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, आसपास ही रहते हैं, उनसे आप बोलिए क्या आप कुछ और राइटर की बुक खरीदिए, आप कुछ और राइटर की सेम सब्जेक्ट की अलग अलग राइटर की बुक खरीद लीजिए, जिससे आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर ध्यान रखना है कि केवल हमें CGPA की तरफ ही नहीं भागना है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो होता है ना, कुछ इंजीनियर्स, कुछ क्या मैक्सिमम इंजीनियर्स इसको फॉलो करते हैं, लास्ट नाइट स्टडी। ये लोग बहुत सारे होते हैं, ये आप समझ लीजिए 60% लोग तो लगभग होंगे जो लास्ट नाइट स्टडी पे बिलीव करते हैं, और वो उनका दिमाग इतना तेज चलता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको पता होगा, आपके कॉलेज में भी होंगे ऐसे लोग, हो सकता है आप ही हों, कि वो लास्ट नाइट स्टडी करते हैं। लास्ट नाइट का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल लास्ट का मतलब, कुछ लोग दो तीन दिन पहले से कर लेते हैं और कुछ तो इतने ज्यादा बिरले होते हैं कि वो लास्ट मतलब लास्ट, कल पेपर है और आज रात में वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और आप शौक हो जाओगे कि उनकी परसेंट भी बहुत अच्छी बन जाती है, 60-65, बहुत अच्छी मतलब 60-65 बन गई तो उनके लिए बहुत है। जो साल भर पढ़ते हैं वो 80-90 में परेशान रहते हैं, लेकिन वो 60 में भी खुश रहते हैं। तो ये भी भाई साहब आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, क्योंकि आप सोचिए आप एक रात में इतना कर सकते हैं, तो अगर आप फुल सेमेस्टर पढ़ाई कर लेंगे तो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ऐसे लोगों को जो ये कारनामा करते हैं, ये करिश्मा दिखाते हैं, जो मैं उनको खास तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, तो इसको, इस टैलेंट को केवल एक रात नहीं, पूरे सेमेस्टर, बल्कि पूरी ड्यूरिंग डिग्री आप यूटिलाइज कीजिए, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। तो ये दूसरी गलती है जो हमें नहीं करना है, मतलब केवल CGPA के पीछे नहीं भागना है। 75% से ऊपर है बढ़िया है, लेकिन वो भी 75% लाने के लिए केवल नहीं पढ़ना, नॉलेज भी होना चाहिए उतना, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। कई इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि 80% वाला सेलेक्ट नहीं होता, 75 या 65 वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि 65% वाले से वो उतने क्वेश्चन, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं इंटरव्यूअर, तो उनसे वो लो लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। 85% वाला पहुंचेगा तो उससे एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगे, तो वो ज्यादा क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन पूछेंगे उस, क्योंकि उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया आप CGPA हाई नहीं लाओ, नॉलेज बढ़ाओ, उसके बाद CGPA हाई आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तीसरा, और ये तो ये समझ लीजिए ब्लंडर मिस्टेक है, जो ब्लंडर मिस्टेक ही समझिए इसे, जो नॉर्मली लोग करते हैं, और वो है मिसयूज ऑफ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट अगर ब्रह्मास्त्र है ना, तो श्राप भी है। यही है जो लोगों की लाइफ बना देता है, और यही है जो लोगों की लाइफ बर्बाद कर देता है। आजकल की जो यूथ है, वो आप ये समझ लीजिए अपनी लाइफ का लगभग, मैं 50% बोल रहा हूँ, शायद ये कम बोल रहा हूँ, उनको पता होगा, आपको भी पता होगा, इससे भी ज़्यादा टाइम केवल इंटरनेट पे वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट ही करती है। तो आपको मैं बता दूँ, इंटरनेट का यूज़ करना बुरा नहीं है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना सीखे। मैं आपको बताता हूँ आप लोग करते क्या है। देखिए आप लोग FB चलाते हैं, मतलब फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, कुछ लोग ट्विटर का भी सहारा लेते होंगे, कुछ लोग टेलीग्राम पे होंगे, यूट्यूब तो सभी देखते होंगे। इतनी सारी चीजें आप चलाते हो और इन सभी में टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इन्हीं सभी से आप कितना नॉलेज ले सकते हो,
FB पे ग्रुप्स बने होते हैं, आपको पता होगा। और वो ग्रुप्स कैसे होते हैं, आपको जो चीज चाहिए उसका ग्रुप है। आपको अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ना है ना, तो सिग्नल सिस्टम का भी ग्रुप डला हुआ है, आप सर्च कीजिए, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसको डेली विजिट कीजिए। बस उसमें फालतू मैसेजेस मत भेजिए, क्योंकि ग्रुप जिस चीज के लिए होता है, जो उसका मोटिव होता है, उसमें केवल उससे रिलीवेंट कंपोनेंट ही आपको भेजना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो इन ग्रुप्स पे आप जुड़ के और काफी नॉलेज गेन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी आपको पता है ग्रुप्स होते हैं, लेकिन आप लोगों के ग्रुप कुछ अलग ही होते हैं, तो वो ग्रुप आपके काम नहीं आएंगे। एजुकेशनल ग्रुप भी बहुत सारे बने हुए हैं, आप फेसबुक पे ही सर्च कीजिएगा, तो हर टाइप के ग्रुप लोगों ने बना के रखे हैं और शेयर करते हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। ट्विटर पे का भी सहारा ले सकते हैं आप। टेलीग्राम पे ग्रुप जो बनता है ना, सुपर ग्रुप होता है एक, जिसमें 1 लाख तक मेंबर ऐड हो जाते हैं, आपको ये शायद पता नहीं होगा। तो ये भी बेस्ट ग्रुप है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। इसकी भी हेल्प लेके आप जुड़ सकते हो लोगों से, लेकिन पॉजिटिव वे में। इसके बाद मैं बात करता हूँ यूट्यूब की। देखिये, ये यूट्यूब जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि इन सभी का तोड़ है, इसमें निचोड़ है, ये मतलब फाइनल स्टेज है, इससे आप क्या नहीं कर सकते। आप तो टॉपिक का नाम डालिए, आप यूट्यूब का सहारा किसी और चीज के लिए लेते होंगे, कुछ और वीडियोस देखते होंगे, एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आप देखिए इसमें एजुकेशनल वीडियोस भी इतने सारे पड़े हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप टॉपिक का नाम डालोगे, लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए कि आप कभी, आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हो, मान लीजिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, आप सर्च कीजिए गूगल पे, तो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आप पहले से पढ़ के जाइए कि कैसे तैयारी करना होता है। ई बुक्स, इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, जो आप मार्केट में परचेज करने भागते जाते हो, इतना पैसा बर्बाद करते हो, वो बुक्स आपको फ्री में सॉफ्ट कॉपी उसकी मिल जाएगी। और जो आपको उंगलियां चलाने की आदत है ना मोबाइल पे, वो इन पे चलाइए, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंटरनेट का मिसयूज में से मिस को हटा दीजिए। ये मिस आपने हटा दी तो आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग में आपकी लाइफ बन गई। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट का। एक और मिस्टेक है जो आप लोग करते हो, और वो है नो प्री प्लानिंग। कोई प्री प्लानिंग ही नहीं करना है भाई साहब, आपको जाना कहां है उसकी कोई प्लानिंग आपने नहीं की हुई है। और अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की हुई है तो आप तैयारी कैसे कर पाओगे। फाइनल ईयर में आके आप सोचते हो कि आपको जाना कहाँ है, भाई 3 जगह तो दिखती हैं कम से कम, कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, या आपको हायर एजुकेशन में जाना है। तो जहाँ जाना है वहाँ के लिए अलग तैयारी करना पड़ेगा। भाई आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है तो उसकी तैयारी अलग होगी, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होगा, तो उसके लिए आपको टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में जाना होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आपको उस फील्ड में कुछ हो सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर या लैंग्वेजेस सीखना होगा, तो आपको वहाँ ज़्यादा फोकस करना होगा। हायर एजुकेशन में अगर जाना है तो उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट होंगी, आपका CGPA हाई हो, आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड हो जिसमें आप PG करना चाहते हो, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, और मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, वो अभी से आप प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, और उसी के हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें भी प्लानिंग में भी ये चीज ध्यान रखना है आपको कि प्लानिंग आपको पहले से कर लेना है। कुछ लोग बीच में स्विच कर जाते हैं कि आधे टाइम तैयारी इसकी की, मन नहीं लगा उसमें, या सिलेक्शन नहीं हुआ, या कुछ लोगों का तो ये कारण होता है कि हमारे फ्रेंड्स उस फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, जो वो कर रहे हैं मैं वो करूंगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपनी काबिलियत को पहचानिए, आपके अंदर कहाँ जाने का वो है, जो आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में बेहतर कर सकता हूँ, तो उसी फील्ड में जाने की सोचिए। एक जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, और ये लास्ट पॉइंट है, यू नॉट सेट एनी प्रायोरिटी। आप लोग कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो। किस चीज की प्रायोरिटी, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत सारे आप लोगों को काम करने होते हैं, ये आप लोग बेहतर समझते होंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
और जो लोग मैं कर चुका हूं तो मैं भी समझता हूं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी जो विभिन्न भिन्न प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों पे आ जाती हैं, उनमें से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भैया प्रायोरिटी किसको दें, और वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। भैया सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप जो विभिन्न प्रकार के रोल अदा करते हो ना इंजीनियरिंग में, वो सारे के सारे सेकेंडरी होने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अगर करियर है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और करियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बाकी सारी चीजें बाद में, फर्स्ट है आपका करियर। क्योंकि ये अगर बनेगा ना तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप विभिन्न किरदार निभा रहे हो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें सक्सेस होते जाओगे। अदरवाइज जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा वो किरदार आपके वीक पड़ते जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले फोकस करना है करियर पे, फर्स्ट प्रायोरिटी करियर होना चाहिए। जहां दो चीजें चुनने को बोला जाए, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, फैमिली लाइफ अलग है, फैमिली को तो आप दो, इससे भी ऊपर दे सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग लाइफ में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, करियर ही होना चाहिए। अब इसमें कुछ और रहता है, ये तो फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद आपको जिसको रखना है रख लो। कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं लोगों को, और वो कंफ्यूजन आपके पहले से क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग जॉब और प्रिपरेशन में कंफ्यूज रहते हैं, भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अब जॉब करूं या प्रिपरेशन करूं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, फुल सपोर्ट है उनका, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल बिंदास होके प्रिपरेशन कीजिए, पूरा झोंक दीजिए अपने आप को। लेकिन तैयारी ऐसी भी मत करना कि घर वालों को लग रहा है तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ और ही कर रहे हैं। तो तैयारी मतलब तैयारी पे ही फोकस करना, क्योंकि पैसा बर्बाद होता है बहुत सारा, वो आप जब कमाओगे तब आप समझोगे कि पैसा क्या चीज होता है। और अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि होती है नॉर्मली लोगों को होती है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, या आपका सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है उतना, घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हो। ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जॉब के साथ में तैयारी नहीं कर सकते। आप सोचिए, आप अपनी जो एक होते हैं ना 24 घंटे, उस 24 घंटे में नॉर्मली लोग 7-8 घंटे तो सोने में निकाल देते हैं, और उतने ही घंटे की तो जॉब होती है। तो जब हम सोने में इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टाइम हो गया ना 8 घंटे, 24 में से 8, 1/3 टाइम आप सोने में निकाल रहे हो, तो उसको थोड़ा सा कम करके और जॉब में दे दो, और थोड़ा जो बाकी आप किरदार निभाते हो उनमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लोगे तो पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम बचता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं जॉब कर रहा हूं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, उसका मतलब है कि वो मेहनत से भाग रहे हैं। आप मेहनत करोगे, टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपको सक्सेस, आपको ये देखना है ना स्ट्रगल लाइफ क्या होती है, तो हमारा एक वीडियो देखिएगा जो मैंने बनाया हुआ है, जर्नी ऑफ एन स्ट्रगलिंग इंजीनियर, वो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल होता क्या है। आपने तो कुछ भी नहीं किया होगा। अब एक ये तो हुआ, क्लियर हो गया होगा कि आपको जॉब और प्रिपरेशन में करना क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, कुछ लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये डाउट रहता है कि भाई साहब वो टेक्निकल में जाए या नॉन टेक्निकल में जाए। तो यहाँ पे मैं 3 इडियट वाली मूवी का की बात नहीं करूंगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में चला गया, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आपके ऊपर है। आप नॉन टेक्निकल भी डिसाइड कर सकते हो, टेक्निकल भी डिसाइड कर सकते हो, अपनी काबिलियत देखिए। कुछ लोग इंजीनियरिंग के बाद भी नॉन टेक्निकल पे बहुत कमांड रहती है उन लोगों की, और टेक्निकल थोड़ा सा वीक रहता है। तो मैं तो बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉन टेक्निकल में जाइए, आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन वही फिर भेड़ चाल नहीं चलना है। दूसरे कहाँ जा रहे हैं आपको वहां नहीं जाना है। आपके अंदर से आपको क्या लग रहा है, आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, देखिए चाहते क्या है और किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, वो दोनों चीजें जब एक हो जाती हैं तो आपको सक्सेस मिल जाती है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो और वही फील्ड में अगर बेहतर होंगे और वही फील्ड चुन लेंगे तो आपको सक्सेस मिलना कंफर्म है। मतलब ये भी एक कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा, इनकी भी प्रायोरिटी आपको सेट करना होगा पहले से ही कि आपको किस फील्ड में जाना है। एक और रहता है यहीं पे, जो कि मैंने हालांकि पहले ही बता दिया कि PSU, गवर्नमेंट और प्राइवेट। कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं कि भाई प्राइवेट में पैसा अच्छा है तो मैं तो प्राइवेट में जाऊंगा, कुछ लोग गवर्नमेंट में, कुछ लोग PSU में, कुछ लोग घूमते रहते हैं, इधर का सोचते हैं फिर उधर का, और उधर का सोचते हैं इधर का। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप अगर किसी ग्रुप में जुड़े हो, एक गवर्नमेंट का ग्रुप लेना, एक प्राइवेट का ग्रुप लेना, और एक कोई भी PSU का ग्रुप ले लेना, और भी अगर आपको ग्रुप मिले, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी, एक मैसेज छोड़ना इसमें
गवर्नमेंट में कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं और इस कंपनी में हूं, कोई भी एक अच्छी कंपनी का नाम देना और यहां लिखना कि मैं आपके यहां आना चाहता हूं, या फिर दो गवर्नमेंट के ही ग्रुप हों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, और आप एक में छोड़ना कि मैं इससे इसमें स्विच करना चाहता हूं और इसमें मैसेज छोड़ना कि मैं इससे इसमें स्विच करना चाहता हूं। आपको दोनों में सेम आंसर मिलेंगे कि आप वहां बेहतर हो यहां मत आइए, क्योंकि इंसान की फितरत होती है जहां रहता है ना वहां उसे अच्छा नहीं लगता, दूसरों की चमक दिखाई देती है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आप जहां जाओगे वहां लोग बोलेंगे कि आपने वहां से छोड़ के गलती की क्योंकि वहां अच्छा था, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं भी चले जाओ हर जगह लोग आपको बोलेंगे कि दूसरी जगह अच्छा है यहाँ अच्छा नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है ये सारी जगह में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि हमें ये चीज जाना है, यहाँ जाना है और क्यों जाना है, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग अपनी कंट्री और फॉरेन कंट्री में भी कंफ्यूज रहते हैं, ये भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, तो वहां पे भी आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा कि भाई अपने ही देश में काम करो या बाहर ही काम करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ अच्छा लगता है, तो इसमें भी लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा पहले से, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको कुछ और तैयारी करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्स क्रैक करना पड़ेगा जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल सके। यहाँ रहने के लिए, यहाँ आपको अगर स्टेबल होना है इंडिया में, तो आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, कुछ और मेहनत करना पड़ेगा, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। तो ये 5 मिस्टेक मैंने अपने हिसाब से बताई जो आपको नहीं करना है, और भी लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं जो आपको नहीं करना है। आप तो खुद समझदार हो, तो आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।